ये छोटे छोटे बहन भाई बैठे इन्हों की वालदा धो रही है कपड़े और माशाल्लाह देखो किड्डे क्यूट लग रहे हैं। कुड़ी ने पट्ठे शट्ठे पा के और बाबा मंजूर होंदा डेरे ते पता कर दे हुण डेरे ते है ना। ये बबली के साथ खेल रहा है और बड़ा जो है ना वो पीछे सैम के खड़ा हुआ। बेगम से बना रही है नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम जी सब बहन भाई, की हाल है? उम्मीद करदा ठीक ठाक होंगे। आज दा सुबह टाइम दा नज़ारा चेक करो, फुल धुंद हो चुकी है। तुसी देख सकते हो पिंडा थावां च ए रूटीन वाइज है जी, फुल धुंद मतलब पूरे सर्दी जोबन ते आ गई, सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। और मैं सुबह सुबह खुले ने अपने मुर्गे ते मुर्गियां फेवरेट परिंदे जिहड़े मेरे माशाल्लाह मैं घर शौक लिए रखे ने उन्होंने खोले और इन्हों सब ना पहले तो नीचे पानी लैके आए, जग के साफ पानी ठीक है जी, वह इन्हों पाने सब तो पहले तो पीन गए पानी ठीक है जी। और मुर्गा मैं थोड़ा जि लग रहा बीमार, कल जो मैं आया सी ना मंडी च भी उस टाइम मैं लग रहा है, जो मैं मंगल मंडी तो आया से तो मैं ढिला लग रहा है और हूँ मजीद मैं थोड़ा को ढिला लग रहा है, इन्हें भी मेडिकेशन करनी है। सब ने पहले पानी पा दिता है ठीक है, और उस तो बाद जी दाना दाना पाने इन्हों इन्हों का साफ सुथरा दाना लैके आए हैं, दाना पा के फाइनली मुर्गियों नू पाता दाना। और मुर्गा माशाल्लाह दाना तो वैसे सही खा रहा है, बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव है, लेकिन ढिला माड़ा माड़ा लग रहा है। फाइनली नीचे जी मुर्गियाँ दो अंडे वाली ने एक लैके आए थे, कुछ नवाज भाई में देते से कुछ बच गए से, और बाकी जी एक मोटू पतलू हरियां का भाई है, मैं एक दोस्त ने दो पीस दिते, दो नवाज भाई दिते से, दो एक होर दोस्त दिते थे, छह बहन भाई से उनके एक दोस्त ने वेचते से मैं दो पीस उन्हें चेक वेच गया मेरे को आके और एक पिया वा ठीक है। इस तो इलावा एक आस्ट्रेलियन पैरिट है, इन्होंने दाना मैं सुबह सुबह ही रखता जी क्योंकि इन्होंने बच्चे होंगे है तो बच्चे जो होंगे ना इस तरह बहुत जल्दी लगता है उपर मेरा घर का पेयर इन्हें भी अंडा डेरा ना देता तोते जी। छोटे छोटे बहन भाई बैठे इन्हों की वालदा धो रही है कपड़े और माशाल्लाह देखो किड्डे क्यूट लग रहे। सर्दी लग रही है तो तुसी आए क्यों जे है, सर्दी लग रही तो आए क्यों जे है, बहुन खान तो घर बिस्तर से बहना सी ना बाजी साइड तो कपड़े धो रही है और बाकी इधर जो ना चेक कर टूवल बंद है लेकिन थोड़ा जहा पानी है उन्होंने मेरी भैन बेचारी ना खा लेते पानी ना ना गुरबत की मारी कपड़े धो रही और बाकी यार इधर आलुआ की काश्त हुई है। और मैं आया जी डेरे ते, डेरे ते आन दा मकसद की सी पहले भी तुम्हें दसा एक आराम नूं मिलना लेकिन वो अजे नहीं आया है ठीक है। और उन्होंने ट्रैक्टर भी खुलिया पाया वा, ट्रैक्टर का भी मसला चल रहा है। मैं जी लैनी है पराली, पराली जी मुंजी होंगी है ना उन्होंने जेडे तिनके होंगे वो लैने, मैं मुर्गे के नीचे पाने उनके नाल मुर्गा नूं ना थोड़ा सुकून मिल जाए क्योंकि जमीन ठंडी होंगी है और कुछ उस वजह तो उन्होंने ठंड लग रही है, मेरे में यह लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब न सर्दियों का पहला जरा ना दिन है जोड़ा कि धुंद इतनी ज़्यादा पई हुई है। और मैं लग रहा है कि डेरे तो इस टाइम कोई बंदा भी नहीं है ठीक है, अगर कोई होया ना तो उनके को आप लैके ना पराली फिर चल दे, ना भी होया तो पराली की कोई टेंशन नहीं, वो समझो अपना आपका ही डेरा है क्योंकि इकराम के नाल मेरा बहुत ही भरा वाला रिलेशन है। और डेरा है बिल्कुल बंद, घोड़ी खड़ी हुई है, घोड़ी ने पट्ठे शट्ठे पा के और बाबा मंजूर होंगे डेरे तो पता कर दे हुण डेरे ते है या नहीं, वो पट्ठे लैन गया होंगे वो पराली पी आप पराली उतों चुक लें, पराली को पहुँच गया और पराली चुक के ना मैं लैके जाना जी जाके मुर्गियों के थले पाना वा। फिर मैं पराली लै आ और मैं सोचा यह केज पिया वा, वो केज तो नहीं कीमती परिंदे ने इन्हों इधर शिफ्ट कर दिया और इन्होंने हूँ मैं ना अंदर पराली वगैरह पा के सुकून का माहौल बना देना, देख सकते हो पराली वगैरह मैं पा दी है और हूँ काफ़ी हद तक ना मुर्गियों को सुकून रहेगा। एक तो केज नूं अगू लगे हुआ पल्ला वगैरह ठीक है और सैकेंडली एक साइड तो हैगा वा और छत वगैरह भी है, पानी का भी मसला नहीं होगा और बारिश वगैरह हो। बेगम साहब बना रही है नाश्ता। और मुर्गियों को मैं केज शिफ्ट कर रहा हूँ।
सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चाय रस खा लिया बच्चे ने, उन्होंने बन गया नाश्ता। और नाश्ता बनाने तो बाद फिर नाश्ता करांगे आप। बच्चे देख रहे कार्टून। ओए क्या कर रहे हो? कार्टून देख रहे हो? कार्टून देख रहे हो? आप क्या कर रहे हो दाइम? क्या देख रहे हो दाइम? बोलो ना क्या देख रहे हो? कार्टून इशारे करता था। कला नीचे से आई है, मेरा भतीजा है। ओके टाइम हो गया 11:30 का और मैं थोड़ी देर लेटे आ रहा हूँ। हमने उठाया वा तो हम बच्चों एक तो बाद थोड़ा घुमाव फिर आवागा क्योंकि शाम का पिया है ट्रिप तो घर वा और दाइम ने हूँ मैं जा रहा जी जहेब वाले नैक्सट टारगेट मेरा ये वा जहेब के कोल परिंदे शरिंदे जो फैन उन्होंने वीडियो वगैरह बनानी है और उन्होंने लगाना फिर एड तो अगर कोई मेरा परिंदा ऑनलाइन फिर विक जाता है ठीक है और ना फिर मंडी ही लैके जाना होंगे लास्ट इतवार को। चलें जी चलते हैं। हाँ जी किधर जाना बेटा? किधर जाना है? किधर जाना है? मोटरसाइकिल मारने केक तो निकलते हैं। फाइनली जी घरों निकल पे वहाँ और मैं देख रहा सी कि धुप निकली है लेकिन धुप फिर जी ना छाँव च बदल गई है। साइकिल हो गई थोड़ी जी खराब, मोटरसाइकिल एक दोस्त को ठीक करवा ली खड़ी की है और मैं इस टाइम तो आसाम रहन मैं क्या चलो समोसे खिला के ना बाबा समोसे खाने मैं क्या चलो समोसे वगैरह खिला। बच्चे जड़े हैं ना समोसा खा रहे हैं और मैं तो फिर वड्डा से स्पीड मार के खा लिया और मैं जहेब को फोन किया और जहेब जरा ना मैंने उतो लैके चला जाएगा उन्हें तो मोटरसाइकिल ठीक हो जाएगी और जो काम है ना वो करके फिर वापस आऊँ। जहेब आ चुके चलो बैठो चाचू के साथ। जहेब आ गया और अभी हम लोग जा रहे हैं इसके डेरे पर। कार जी हम पहुँच चुके हैं और जो है ना दाइम साहब वो तो बहुत तेज़ है ना फिर माशाल्लाह वो आगे आ गया और जहेब जो अपनी ना मोटरसाइकिल खड़ी करने गया हुआ और ये है जी एक डेरा जहेब लोगों का। बाकी भैंसे शैसे खोली हुई मुर्गियाँ चूज़ों वाली ये मुर्गियाँ हमने कल ली थी उधर से इसके साथ 3 चूज़े माशाल्लाह चेक करें। बाकी कुछ परिंदे बाहर खोले गए। खैर जी छोटा सा आपको यहाँ का जो ना परिंदों का थोड़ा सा रिव्यू दिखा देते हैं जी। ये है जी मुर्गा ये कल हमने लिया था। खैर भैंसे वगैरह बंद ही हुई है पहले भी बता चुका हूँ। और ये है जिसका नाम है बबली। अरे क्या ला बबली इसका नाम रखा हुआ है हमने बबली। और बाकी इधर भी कुछ मुर्गियाँ वगैरह फिर रही हैं कबूतर फिर रहे हैं ये कबूतर फिर रहे हैं उधर दूसरी गोल्डन भी सी मुर्गियाँ फिर रही हैं ये सारा जी। दरवाजा खोलो पापा दरवाजा खोलो पापा आपको तो यही है असाम और कुछ नहीं होता। अच्छा असाम डॉगी से डर गए। ये देखो ये छोटा नहीं ना परिंदों से डरता ना किसी चीज से। बेटा आ जाओ मैं पास हूँ इधर आओ कुछ नहीं कहता। वो भाग के वो चला गया। आ जाओ बेटा मैं हूं गंदे तू आ जाओ। अच्छा उसने मुझे बताया भी नहीं है वैसे ना डॉगी से बहुत डरता वो बड़ा सहमा सा बच्चा मेरा बड़ा। और ये तो ना देखें जी डॉगी वो है तो ये डॉगी के पास खड़ा हुआ ये नहीं डरता किसी भी चीज़ अरे भी खैर अभी आ गया। बाकी यार ये हम परिंदों का भी वीडियो शीडियो तो लगाने के लिए फ़ोटो शोटो इनकी जो है ना अभी हम कैमरा मैन ही शुरू करने लगे हैं कि सबकी वीडियो शीडियो बनानी फ़ोटो शोटो बनाने और इनको भेजनी है। आपको थोड़ा सा ना इसने अभी बच्चे नहीं दिए ये जहेब के परिंदे हैं सारे अपने जाति बाकी वो हमारे बिजनेस पर्पज़ के लिए बाई फिर जहेब बच्चे ने कहा बच्चे यहाँ से उतार के नीचे ना दोबारा अंडल उतार दिए। अच्छा जी बच्चे फिर निकले दोबारा अंडल उतार दिए ये हिसाब लगा ले ये इनके बच्चे हैं अब अच्छा। इनको दाना देते हैं ये कबूतर और ये आकर अंडे भी उतार दिए एक अंडा पड़ा होगा। अच्छा ये पड़ा नुकर और वो सफेद मुर्गी के अंडे सफेद के सही होगा मतलब फीमेल ने नीचे अंडा भी उतार दिया ऊपर बच्चों को दाना दे रहे होते हैं पीछे इसको बाहर निकालो भाई और इधर इसका जेब इसका बच्चा इसने भी अंडा डाला
बच्चे के साथ अंडा भी उतार दिया, सारों ने तकरीबन उतारे हैं। ये अंडा आप देख सकते हैं इनका। खैर जी हम अपना काम करने लगे और बाकी फिर आगे देखते हैं क्या करना, बाजार वगैरह हमने जाना, दाने वगैरह लेने। अभी फिलहाल हम अपना काम करने लगे। सामने भी मुर्गी अगर आप देखेंगे तो फिर भी ये जहीद की अपनी है, मतलब ये हमने खरीदी नहीं है। ये बबली के साथ खेल रहा है और बड़ा जो है ना वो पीछे सैम के खड़ा हुआ, वो तो बबली के बिल्कुल। ओए इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ दाई माँ, आ जाओ बेटा। ये परिंदों के साथ सही मस्ती करता खेलता है। ओए गंदे, पकड़ना नहीं है। अच्छा ये फूल पुसे ना पकड़ने की तैयारी में कुछ उठा लूँ, वो घर में रैबिट्स है ना, ये रैबिट्स उठा लेता था तो अभी यही सोच रहा कि यार इसको भी उठा लूंगा, डॉगी को भी। ये रैबिट समझ रहा, समझ रहा बच्चा, ऐसा क्या पता। चलो भाई चलो चलो आ जाओ। एट लास्ट जोड़ा भी साढ़ा काम से असी कर लिया और बच्चे जरा ना दाइम सब अगे अगे और असां भी, और दाइम जरा ना डोगी से दुम पकड़ ली तो डोगी नू कट लगा सी लेकिन बच गया। खैर हूँ असी जा रहे हैं घर और घर जाके फिर देखते हैं नैक्सट। मुर्गे की लेकर आए हूँ दवाई, इसको देने लगा हूँ एजट गले के लिए और साथ में मच्छी तेल वाला ये कैप्सूल होता है एडी, इससे जरा ना इसका जो है ना खर खर सी आवाज़ सी आ रही है, अभी ठीक हो जाएगी। बाकी माशाल्लाह परिंदा ठीक है लेकिन इसका थोड़ा सा चेहरा आप देखेंगे ना तो फीका पड़ा हुआ है, जब ताज होता है ना मुर्गे को देखेंगे ना थोड़ा कलर और टाइप का हुआ है, इसको मेडिसिन वगैरह देते हैं। ये देखें मुर्गे का थोड़ा सा ना ताज फीका पड़ा हुआ है, खैर अभी इसे मेडिसिन दे दी है तो इंशाल्लाह ये कुछ बेहतर हो जाएगा पहले से। फाइनली जी शाम का वक्त है और खाना हो रहा है तैयार। आज हमने बनाए आलू गोश्त और वो भी देसी गोश्त, घर का गोश्त, और रोटियां बन रही हैं जी। जी कुछ मुर्गियां थी नीचे, इनको ले आए ऊपर, ऊपर छोड़ दिए। मैंने कहा यार ये अंडे वगैरह अगर देंगी ना तो इनको पता चल जाएगा। ये चलें जी, ये इनको हो गया, अब यहाँ पे लॉक, इनको कर दिया लॉक। फौजी जो है ना ये मेरे पीछे आ गया, उस दिन गिरा था ना तो चलो नीचे, ये तो चलो है ना, अभी नीचे चलो, ये मेरे भाई का बेटा छोटे का, चलो 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 नीचे, चलो चलो नीचे, चलो 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 गंदे, चल चल चल। दरवाज़ा या ही खुलता ना इन बच्चों ने तो भाग के आना होता है, हम चलें, चल चलो नीचे, चलो चल दाई नीचे चलो। फाइनली ये आज का था ब्लॉग जो आपके साथ शेयर किया, सारा दिन की रूटीन, अभी खाना बन रहा है, खाना खाएंगे और उसके बाद फिर लेट जाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो वगैरह लेकर हाजिर होते रहेंगे और इनके काम चेक करें, ये चेक करें, उसको बोला नीचे चले जाओ और ये यहाँ पे ना डांस कर रहा है, चल नीचे यार, बहुत ये शैतान वहाँ पे डोगी को तंग कर रहा है और इधर आके ना इसको तंग कर रहा है। चल जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहा।